अफगानिस्तान हमेशा से ही आज जैसी दयनीय हालत में नहीं था। वस्तुतः 1947 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दी थी। 1947 में 55 देशों में अफगानिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद लगभग एक साल तक एक देश के रूप में पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने मान्यता ही नहीं दी थी। इसके बाद आगे आने वाले कई सालों तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें होती रहीं। 1955 में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों ने काबुल में पाकिस्तान के राजनीतिक दूतावास और जलालाबाद एवं कांधार में पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापार मार्गों की नाकाबंदी कर दी थी। 1961 में तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा पर अपने टैंक खड़े कर दिए थे। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राजनीतिक संबंध 1961 में टूट गए थे। मगर आखिर क्यों अफगानिस्तान का पाकिस्तान की ओर रवैया इतना तल्ख था कि मानो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक दुश्मन मुल्क ही था। इसकी वजह थी अंग्रेजों के बोए हुए फूट के बीच और अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किया गया गैर जिम्मेदाराना सीमा निर्धारण। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2700 किलोमीटर की लंबी सीमा निर्धारित हुई थी 1893 में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच की संधि से। इस सीमा रेखा को निर्धारित किया था ब्रिटिश डिप्लोमेट सर हेनरी मोर्टिमर डूरन ने, जिनके नाम पर ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को डूरन लाइन कहा जाता है। यह सीमा निर्धारण तब किया गया था जब अंग्रेजों के मुकाबले अफगान काफी कमजोर स्थिति में थे। अफगानिस्तान पर लगभग जबरन थोपी हुई यह सरहद आज भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है। वस्तुतः इस सीमा ने पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के बीच में एक दीवार से खींच दी। पश्तून यानी कि पठान मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले जाति समूह के वो लोग हैं जो पिछले लगभग 4000 सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले डूरन लाइन के दोनों ओर रहने वाले पश्तूनों की आवाजाही और मेलजोल पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। कबायली तौर तरीकों और नियमों के अनुसार रहने वाले पश्तून 1947 के बाद दो हिस्सों में बंटकर रह गए हैं। आज इन पश्तूनों की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, जिनमें से लगभग 3 करोड़ अफगानिस्तान और 2 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं। एक देश के रूप में अफगानिस्तान इन पश्तूनों को एक साथ देखना चाहता है। 1947 से लेकर आज तक की सभी अफगान सरकारों के अनुसार डूरन सीमा रेखा अवैध है। यहाँ तक कि 1990 के दशक में तालिबानी सरकार, जो की पाकिस्तानी सेना की कठपुतली ही थी, उसने भी डूरन लाइन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के कई इलाकों पर भी अपनी दावेदारी करता आया है। इन सब बातों के ये मायने हैं कि एक मजबूत अफगानिस्तानी हुकूमत डूरन सीमा रेखा के उस पार पाकिस्तान की जमीन पर अपना दावा ठोकेगी और पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। अगर पाकिस्तान के हालात कमजोर हों तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जैसे कि 1971 में पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश के चले जाने के बाद अफगानिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों ने कई सालों तक पाकिस्तान में काफी उधम मचाया। पाकिस्तानी सेना कई सालों तक अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अपने वजूद की लड़ाई लड़ती रही। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय अफगानिस्तानी लड़ाकों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। इसलिए यह बात साफ है कि पाकिस्तान, जो कि अपनी पूर्वी सीमा पर 1947 से ही भारत से उलझा हुआ है, उसकी एक तरह से मजबूरी ही है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान में या तो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार हो या फिर अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने रहे। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिहादियों और तालिबानियों को समर्थन देकर अफगानिस्तान को कमजोर करने की या अपने वश में करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।